मिस्टर अजीम आलिया भी आई है? नहीं, वो बाहर अरित्रा के साथ पार्क में खेल रही है। अरे वो आज दुकान गया ही नहीं ना, बैंक का काम था, तुम्हें कहा था ना दुकान खरीदने के लिए, वो लोन नहीं हो जाएगा इस बार। अरे आप खड़े क्यों, बैठिए ना। नहीं मैं निकल ही रहा था आज। हाँ वो आपको पता है ना आलिया कहाँ खेल रही है? यस ऑफ कोर्स। आप उसे वहां से पिक कर लीजिएगा। हाँ श्योर। ऑलराइट देन, फिर कभी। चलिए। तो चलो, तुम्हारा दुकान खरीदने की जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है। नहीं जरूरी भी बहुत है, बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो इनकम भी तो बढ़नी चाहिए। वैसे बच्चे से याद आया, आज घर भी जल्दी आ गया हूं और एक बात बताऊं तुम्हें, हर साल ना तुम ज्यादा ही खूबसूरत होती जा रही हो। चूज तो तुम्हें करना होगा, तो तुम्हें करना होगा माधवी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। पति 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 या खुद का बच्चा, या खुद का बच्चा। क्या शुरू करें? वो मुझे एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया, सो आप शुरू कीजिए ना, आई जस्ट जॉइन यू। कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया उनको, इसलिए चले गए। हाय सॉरी सॉरी। अच्छा ना ये दारू वारू ना तुम्हारे सामने नहीं पीऊंगा मैं, ये अकेले मैं थोड़ी सी पी लूंगा, वो बेबी के लिए ना। तुम कुछ हेल्दी खाना मंगा लो ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट से बेबी के लिए, हैं? और सुनो, आज से फालतू काम करना बंद, और ये उतारो, हैवी सामान तो उठाना तुम्हें अलाउड ही नहीं है, और तुम्हारा किचन में भी जाना बंद। मैं कल ही सुबह ना एक अच्छी सी कुक रख दूंगा हम लोगों के लिए, जो हेल्दी हेल्दी खाना बनाएगी हमारे लिए। और मैं क्या सोच रहा हूँ, जमीन पर रख डाल देता हूँ, मैं रिस्क लेना ही नहीं चाहता। मोहित बस करो प्लीज यार, प्लीज बस मेरा इतना ख्याल मत रखो। I just don't deserve all this, Mohit. और जो तुम्हें लग रहा है ना कि ये बच्चा तुम्हारा है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है मोहित, ये बच्चा अजीम का है। इस रिपोर्ट से पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें लिखा था कि मुझे एजोस्पोमिया है, जीरो स्पोम काउंट। किसी भी क्लिनिक में ना नई रिपोर्ट्स के साथ साथ पुरानी रिपोर्ट्स भी होती है, सब देख ली मैंने।
किसी और का पाप मेरे गले डालना चाहती थी तुम। मैं यहां उस अजीम की बेटी को खिला पिला रहा हूं और तुम पीठ पीछे मेरे उसके साथ। तुमने ना हमारे 8 साल के रिश्ते, हमारा प्यार, इस घर को छोड़ दिया और चली गई उस अजीम के साथ बिस्तर पर। क्यों बताओ क्यों? क्यों किया तुमने ये सब? इसलिए ना कि मैं बाप नहीं बन सकता? नहीं मोहित, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत अकेली हो गई थी और तुम हमेशा काम पर भी। अरे तो किस लिए काम कर रहा था मैं? हाँ, अरे क्योंकि तुम्हारे लिए पैसे कमाने थे ना। किसने पैसे दिए तुझे आज तक? तेरी पढ़ाई के? हाँ, तेरे कपड़े, तेरा खाना, कौन कर रहा था ये सब? मैं कर रहा था कि नहीं? शर्म नहीं आई तुझे? इस दुनिया में ना आज तक सिर्फ तेरा ही ख्याल किया मैंने और किसी का नहीं। मेरी मां मर गई। मेरी मां मरने के 3 दिन बाद गया हूं मैं कुंज बिहार। क्यों? क्योंकि तुझे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता था। और तू ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, तू जा जाके उस अजीम की गोद में जाके बैठ जा। बहुत जल्द वहां से भी उठ के चली जाएगी कहीं और। अरे ऐसी तो है तू। ठीक है दादा, तेरा बाप। तू ना, तू कभी किसी की नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं। एक बात मेरी तो ध्यान रखना, तू ना तू कभी खुश नहीं रह सकेगी। कभी खुश नहीं रहेगी, कभी खुश नहीं रहेगी। Oh, my God.